दोस्तों, तो जो अगला प्रश्न है वो मुश्किल प्रश्नों की श्रृंखला का एक प्रश्न है। इसका हल भी किताब में नहीं दिया गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका हल एक बार करके आपको दिखाया जाए। और थोड़ा सा समय लगेगा इसको हल करने में। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कभी एग्जाम में नहीं आया, ना इसके साथ स्टार दिया गया, ना इसका हल दिया गया। बस इसका हल दिया गया है, दूसरा वाला ऑप्शन सही किया गया, बट मेरा थर्ड वाला ऑप्शन सही आ रहा था, मैंने जब इससे ट्राई किया। तो चलिए, अब इतना सब कुछ कर ही लिया, तो एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होना है। बाकी अगर मैं बात करूं 15 और 16 नंबर क्वेश्चन की, तो भाई ये पूरा पूरा सूत्र होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो आपकी आदत को, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाला जो गुणा कर देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, और इसे साथ में कॉस का वाला भी होता है। 16 वाला जो प्रश्न है ये आपका यही दोनों सूत्र हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, तो उसमें कुछ बचा नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन जो रखा है ये उसी सूत्र पर सीधे सीधे डिपेंड है, जैसे कि 15 नंबर सूत्र सवाल है, संभवतः उसी पे जाएगा, या फिर ठीक है उसी पे जाना चाहिए ये। बाकी वो कैसे जाएगा वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी हम 14 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे बातों को, और फिलहाल बात करेंगे इस क्वेश्चन की। कहा गया है कि कॉस अल्फा बराबर अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन बटे 2 अंडर रूट 2 है, और कॉस बीटा बराबर अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 रूट 2 है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हमको याद करना है। पहले मैंने पिछली वीडियो में इसको बताने के लिए कोशिश की थी, शुरुआत की थी, कुछ समझ में नहीं आता, इस वजह से उसको काट के अलग कर लिया था हमने। तो ये हल था अभी अभी यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से शुरुआत करेंगे। हमको निकालना है अल्फा माइनस बीटा के वैल्यू। अब यहाँ पे दोनों तरफ कॉस आपको दिखाई दे रहा, कॉस अल्फा कॉस बीटा दिखाई दे रहा ना, तो अपन ये करो कि भाई यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस दोनों तरफ इसका कॉस ले लो, ठीक है भाई, हमको यहाँ पे कॉस का मान निकाल लेना। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना साइन पे मैं एक बार ट्राई कर लूँ, क्योंकि साइन पे भी तो अपना वही मिलेगा। हाँ संभव है, बट जाने देते हैं, कॉस पे ही ट्राई करते हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला जो फुल एक्सप्लेनेशन मतलब विस्तार जो होता है वो लिखते हैं। उसमें क्या होता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है, चेंज होता है, सॉरी साइन अल्फा और साइन बीटा, ये अपना होता है विस्तार इसका। और विस्तार एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, अब चीज़ों को रखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कॉस अल्फा का मान क्या है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 है, रख दिया मल्टीप्लाई। कॉस बीटा का मान क्या है, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये भी हमने रख दिया, ठीक है, प्लस लगा दिया, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये सब चल रहेंगे अपन, ये अपन अलग रखते हैं। अभी यहाँ पे साइन अल्फा वाली बात कर लेते हैं। तो साइन अल्फा का मान कैसे निकलेगा, अभी अपने पास तो है नहीं, तो भाई दूसरे पेज पे आ जाते हैं। अब देखो यूं समझो कि साइन अल्फा का हमको मान निकालना है, तो ये बन जाता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या ये करेक्ट है, ठीक है, ये सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्ल टू 1, इसी से लिया गया है, अडोप्टेड है। अभी यहाँ पे क्या है, लगाते हैं 1 माइनस कॉस की जगह, कॉस अल्फा की जगह पे जो था रूट 3 माइनस 1 था अपॉन 2 रूट 2 था, रख दिया, होल स्क्वायर हमने कर दिया, ओके क्लियर है। अब यहाँ पे विस्तार कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 रूट 2 होता था, 2 रूट 2 सॉरी 2 ab होता है, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना रूट 3 बचेगा, तो इतना कुछ हो चुका है। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो भैया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणते 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बस इतना हमने यहाँ पे छोड़ कर रख दिया। अभी तो यहाँ पे 4 दोनों 8 हो जाएगा, देखो अभी कुछ बहुत कुछ कटे बटेगा, लेकिन अभी यहाँ पे काटते नहीं, हम सीधे सीधे यहाँ पे गुड़ा के माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब यूं होगा कि 4 दोनों 8 है, 8 करने में 8 हो जाएगा, माइनस अब ये 3 1 4 4 हो गया, 4 में 4 ये प्लस में होगा, माइनस की वजह से ये माइनस 4 हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ गुणा होकर के प्लस 2 रूट 3 बना देगा। नीचे 4 दो नहीं है, 2 4 दो नहीं 8, ये 4 रूट 2 ऐसे लिखे रहे, सॉरी 4 गुणते 2 ऐसे लिखे रहते हैं। अभी यहाँ पे ये कुछ बदलेगा, क्या बदलेगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे 4 8 में से 4 गया तो हमको क्या मिल गया, 4 और प्लस 2 रूट 3 मिल जाएगा, अपॉन 4 रूट 2 हो गया। अभी यहाँ पे बात को अगर समझो, अगर थोड़ी सी बात समझो, जैसे कि ये बन गया था इतना, ठीक है,
बदला था, ये क्या था, ये था 4 माइनस 2 रूट 2 रूट 3 था, ये हिस्सा था, ऐसे बना था यहाँ से इसको होल स्क्वायर से, वही सेम चीज यहाँ पे है प्लस प्लस में है, तो इसको भी हम यहाँ पे वर्गमूल निकालते वक्त ऐसे कर सकते हैं कि ये भैया ये है 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, अब जो कि यहाँ पे नीचे वाला सॉरी यहाँ पे अंडर रूट नहीं रहेगा, 2 के लिए रहेगा, ओके तो ये √3 और यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये अंडर √3 प्लस कितना था प्लस 1, ठीक है वहां पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है होल स्क्वायर बन जाएगा, उसके ऊपर अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट ये वाला अंडर रूट ठीक है कट जाएगा, नीचे वाला 4 और 4 तो नहीं 8 था, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, अंडर 2 का हो जाएगा √2, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, तो √3 प्लस 1/2 √2 मिलेगा, क्लियर है बात को, इतनी क्लियर है बात होनी भी चाहिए भाई, बहुत ही आसान सी चीज है। यहाँ पे हम आ जाते हैं इधर की ओर, तो हमने लिख लिया √3 प्लस 1/2 √2, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे साइन बीटा की, साइन बीटा हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है वहीं से निकालेंगे, वही बात हो जाएगी सेम टू साइन बीटा, हम जब निकालने जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे √1 माइनस cos बीटा का मान रखेंगे, cos बीटा का मान था √3 प्लस 1/2 √2, वही सेम गिनती थी होल स्क्वायर था, कर दिया हमने वहां पे अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा वही अपना 3 प्लस 1 और प्लस 2 √2 बन जाएगा और 2 √3 बन जाएगा सॉरी अपॉन क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 × 2 बन जाएगा, 4 × 2 = 8 इधर जाएगा ये घटेगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये वाला गिनती तो घट जाएगा तो 4 ही बचेगा, ये वाला साथ माइनस लग जाएगा, यानी कि रिवर्स हो रही है बातें, यानी हमको क्या मिल रहा है कि 4 माइनस 2 √3/4 × 2 मिल रहा है, वर्गमूल निकालो भाई, ये फिर से वही सीक्वेंस बना के वही सेम उल्टा जाएगा तो अपन को क्या मिलेगा 3 और -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसका अंडर रूट बना है और इसका वर्गमूल तो 2 √2 बनेगा ही, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको सीधे सीधे मिल रहा है √3 - 1/2 √2 मिल रहा है, ये मिल रहा है यानी कि रिवर्स जाने पर ये मिल रहा है, तो भाई अब इसकी जगह पे हम ये रख देते हैं कि √3 - 1/2 √2 हो गया, इतनी बातें क्लियर हो जाने के बाद अब यहाँ पे इस हिस्से का गुणा करा लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 नहीं है यहाँ पे 4 हमने लिख लिया, इसका वर्ग गुणा करने पर 2 हो गया, इधर वाले गुणा करने पर वर्गांतर का सूत्र लगेगा a - b a + b² a² - b² यानी √3 को वर्ग करेंगे तो 3 मिल जाएगा और 1 का वर्ग करेंगे, अरे भागो यार मक्खियां भी आ गई परेशान करने के लिए, 1 हो गया, इतना क्लियर हो गई बात, आगे चलेंगे प्लस लगाएंगे यहाँ पे भी वही सेम चीज लगेगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 3 - 1 मिल जाएगा और यहाँ पे 2 × 4 = 2 मिल जाएगा, इतना क्लियर हो गई बात, अब यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 मिलेगा, ये वाला 2 इससे कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, ये वाला 2 इससे कट जाएगा, तो हमें ऊपर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, ऊपर 1 मिल रहा है नीचे 4 मिल रहा है प्लस 1/4 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो भैया 4 ऊपर 2 हो जाएगा, काट देंगे कितना मिल जाएगा 1/2 मिल रही है, यहाँ पे पूरी क्लियर बातें। अब यहाँ पे हमको कोण का मान निकालना है, 1/2 का नहीं निकालना है, तो भाई बात यूं है कि cos α - β = हमने जब हल किया तो हमको 1/2 मिल रहा है, तो cos भी लगा ही देते हैं, यहाँ पे ये cos किसका मान होता है, तो ये होता है cos 60 का मान होता है, ठीक है cos 60 का मान होता है 1/2, देखो sin 30 का मान होता है 1/2, उसी का अपोजिट वहां पे 60 का मान होता है, तो cos 60 का मान होता है, तो यहाँ पे cos 60 का मान होता है 1/2, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कहीं क्लियर तो कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, नहीं बिल्कुल सही है, और उसके बाद कॉस से कॉस को काट दिया तो α - β = आपको क्या मिल रहा है 60 अंश मिल रहा है, ओके ये मैंने पूरा विस्तार करके बताया, हो सकता है कहीं एक आध जगह पे चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आंसर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा हो, बट जो हमने किया है एक लय में अगर करने की कोशिश की जाए तो हाँ बेहतर तरीके से हमने किया है और अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये इस प्रकार से चल रहा है, इसी प्रकार से इसका विस्तार हो रहा है, इसी प्रकार से इसका हल होने वाला है, तो यही ये कुछ है जो मिल सकता है, और पॉसिबिलिटी अभी भी है बहुत सारी चीज़ें जो कि कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, बट अभी जो कुछ है हमने आपको बता दिया, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
तो फॉर्मूला ये था कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इजल टू होता है साइन ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, सॉरी गलती से मैं गलत कुछ पढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो 17 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो गया माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया, तो इसके जो बदले हमको मिलेगा वो क्या मिलता है, वो मिलता है यही वाला और रिवर्स वाला फार्मूला। क्या मिल रहा है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी मिलेगा, तो साइन साइन रहेगा इतना और इतना जोड़ा जाएगा और इतना माइनस इतना घटाया जाएगा साइन के साथ में ही, ये तो सारी चीज़ें रहेगी। अब यहाँ पे अब चीज़ों को रखते हैं तो आप उत्तर कुछ ऐसा पाएंगे, कैसा पाएंगे, देखो भाई ऐसे मिल जाएगा साइन अब ए प्लस बी यानी इतना और इतना जोड़ करके रखना होगा, तो पाई बाई एट है प्लस ए बाई टू है प्लस पाई बाई एट माइनस ए बाई टू, ये जो था जैसा था वैसे हो जाएगा। साथ में इसी के साथ मल्टीप्लाई में होता है साइन ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी, तो ए यानी कि पाई बाई एट हमने लिख लिया, ओके प्लस ए बाई टू था इसे लिख लिया, और सर ये माइनस करना है तो चेंज होने नहीं लगेगा, यहाँ पे पूरा इसका चिन्ह यानी कि पाई बाई एट माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी। तब क्या होगा, बहुत आसान हो गया भाई, ये कट गया है यहाँ पे पाई बाई एट, पाई बाई एट जुड़ जाएगा, नीचे वाला एट बराबर है तो साइन टू पाई बाई एट हो जाएगा और इन टू आपके पास साइन और यहाँ पे देखेंगे पाई बाई एट कटेगा तो टू ए अपॉन टू, क्योंकि टू तो नीचे बराबर है तो टू ए अपॉन टू बन जाएगा, तो इतने क्लियर हो गई बातें। काट लेते हैं तो यहाँ पे चार मिल जाएगा पाई बाई फोर, पाई बाई फोर का मतलब क्या होता है, पाई बाई फोर का मतलब होता है 45 अंश, तो यहाँ पे साइन 45 अंश रख दिया जाएगा और यहाँ पे साइन ए बचेगा भाई, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है और यहाँ पे साइन ए, विकल्प जो कुछ भी मिल रहा हो अपन देख लो भाई मिल जाएगा बहुत आसानी के साथ है आपका आंसर, ये तीसरा वाला विकल्प सही है। सेम वही सिचुएशन लेकर ये आपका ये 18 नंबर क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा ध्यान दे देना, देख लेना क्या होना चाहिए इसमें, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉस ए माइनस बी का होल विस्तार करना, ठीक है कॉस ए माइनस बी वाला होल विस्तार यहाँ पे विस्तार करना, साइन वाला के साथ भी ऐसे विस्तार करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ आंसर आपको मिलेगा, काट पीट ये करना मिलेगा। 19वें नंबर सवाल की बात करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया गया है, तो यही सेम सिचुएशन वही हो जाएगी, तो यहाँ पे जैसा कि आपने अभी विकल्प अभी देखा है तो वहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो जो नीचे है साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी, अब ये जो होता है ये किसके मान के बराबर होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी कहाँ गया था, थोड़ा सा हल करके एक बार देख लेते हैं एक नज़र, बहुत ही लंबे चौड़े और भयानक सवाल होने वाली है, मतलब सवाल बहुत छोटी ही रहेगी इतनी दूर में आ जाएगी, बट इसको जो सोल्यूशन है वो समझने के लिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए। देखो भाई यहाँ वाला जो होता है इसका तो फॉर्मूला अपन बना लेंगे, मैं इसका विस्तार हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर जो बी है इसके बराबर आपको मिल जाएंगे, कितना मिलेगा ऊपर वाले को मिल जाएगा का साइन ए, सॉरी यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा साइन ए माइनस बी, तो इतना तो मिल ही जाएगा, बट यहाँ पे जो नीचे वाला गिनती है उसका जो है फॉर्मूला वो नहीं बन रहा है, तो इसका फार्मूला हमको बनाना पड़ेगा, और इसको बनाने के लिए भैया यहाँ पे साइन ए कॉस ए है, तो अगर हम ऊपर दो से गुणा कर ले, ठीक है, और नीचे भी दो से गुणा कर दें तो ये दो इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, और साइन यहाँ पे टू साइन ए कॉस ए बराबर होता है साइन टू ए, साइन टू ए, और यहाँ पे माइनस है, और ये जो है ये भी हो जाएगा अपना साइन टू बी, ऊपर तो अपना दो लगेगा ही, इतना कुछ आपको मिल चुका है। अब आगे साइन टू ए का क्या करें, अचार भी तो नहीं बनेगा इसका, तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो भाई साइन सी प्लस साइन डी एक फार्मूला जैसे बनता है जहाँ पे टू साइन सी प्लस डी बाय टू बनता है और कॉस और सी माइनस डी, सॉरी हाँ
ठीक है, सी माइनस डी बाई टू बनता है, ये होता है फॉर्मूला और वही यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हम ये फॉर्मूले को क्वेश्चन में बंद करते हैं। अभी सूत्र को सवाल को पहले सही से लिख लेते हैं। हमारे पास टू है, साइन है, ए प्लस बी है ऊपर में और साइन ए माइनस बी है ऊपर में, नीचे क्या है इतना सब कुछ है और इसको हमको विस्तार करना है इस रूप में। तो हमें मिल जाएगा टू और साइन सी प्लस डी यानी इतना इतना प्लस इतना, साइन सी प्लस डी यानी टू प्लस टू ए प्लस टू बी बाय टू हो जाएगा और कॉस सी माइनस डी यानी कि टू ए माइनस टू बी बाय टू हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल जाएगी। इन दोनों को दो को कॉमन लेके इससे काट सकते हो और इन दोनों को दो को कॉमन लेके इससे काट सकते हो। तो ऊपर पहले ये वाला दो काट ही लेते हैं, ऊपर मिल जाएगा साइन ए प्लस बी और मिल जाएगा साइन साइन ए माइनस बी, इतना सब कुछ मिला है। नीचे वाले की बात कर लेंगे तो यहाँ पे साइन ये मिल जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। साइन से साइन वाला गिनती बराबर है, पूरी पूरी कट जाएगी और साइन अपॉन कॉस बराबर ये बन जाएगा अपना टेन ए माइनस बी। तो ये कुल मिला के उत्तर मिलना चाहिए, तो यही सही है, टेन ए माइनस बी ही आपका आंसर हो रहा है, विकल्प मिल रहा है। तो सवाल थोड़ी सी अलग रही यहाँ पे हल करने में, कई सूत्रों का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है और ये जो सूत्र है ये अगली प्रश्नावली में मिल रहे हैं। आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो एक सूत्रों की पूरी लिस्ट है, पूरे एक पेज में सूत्र ही सूत्र भरे गए हैं, वहाँ से इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। अभी उस सूत्र को भी पढ़ना है तो चलेंगे अभी अगले सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। जो अगली सवाल है वो है 20 नंबर, यहाँ पे आपको मिलता है साइन अल्फा प्लस बीटा और पॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसका जो विस्तार होगा यानी ये टेन के रूप में किस प्रकार से होगा अगर इसको आप करना चाहेंगे, तो भाई यहाँ पे साइन ए प्लस बी वाला अल्फा प्लस बीटा वाला विस्तार करना, नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला विस्तार करना, उसके बाद आपका जो होगा उसमें थोड़ा सा आपको भाग करना पड़ेगा किस चीज़ से, कॉस अल्फा कॉस बीटा से भाग करना होगा। आप इसको जब हल करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो अभी के लिए हम बस इतना ही खत्म करते हैं। आगे के जो प्रश्न हो रहे हैं ये साइन अल्फा साइन बीटा वाला, इसको आप करने के एक बार कोशिश कर लीजिएगा। वैसे मैंने जो पहली सवाल बताई इसी प्रकार से है और ये जो 22, 23 आगे जितने भी प्रश्न मिलने वाले हैं सब उसी प्रकार से जा रहे हैं, कोई भी ऐसा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपको ये 14 नंबर क्वेश्चन से अलग, 14 नंबर क्वेश्चन की तरह ही आपका 21, 22, 23, 24 हो रहा है और संभवतः 25 भी उसी तरीके से होगा। तो आपको यही करना है, वही चीज़ अपनानी है आगे के सभी प्रश्नों में, जैसा कि हमने आपको समझाया थोड़ा बहुत अपने से अप्लाई कीजिएगा, कुछ काम बनेगा। और आगे के जो प्रश्न हैं वो हो रहे हैं भी बहुत संख्या में, तो अगला वीडियो लाना ज़रूरी है इसी प्रश्नावली से संबंधित।